x result is prove that the intersection of finite number of open sets is an open set. ठीक है, पहले हमने क्या प्रूव किया था कि आर्बिट्रेरी यूनियन ऑफ ओपन सेट्स इज ओपन. उस केस में हमने क्या लिया था कि ए लैम्डास आर्बिट्रेरी, लैम्डा इज आर्बिट्रेरी नंबर, देन यूनियन ऑफ दीज ओपन सेट्स इज ऑल्सो ओपन. बट अब हमने क्या करना है, इंटरसेक्शन लेनी है. कितनी इंटरसेक्शन? फाइनाइट नंबर ऑफ ओपन सेट्स. ठीक है, तो इससे सबसे पहले हम ओपन सेट्स को डिफाइन कर लेते हैं. लेट ए आई इज वेयर आई गोज टू 1 to n. ये सारे के सारे क्या हैं? ओपन सेट्स, आर ओपन सेट्स. फाइनाइट नंबर ऑफ ओपन सेट्स ये हैं, तो अब इनकी इंटरसेक्शन हमें शो करनी है कि दैट इज ऑल्सो ओपन. एंड वी सपोज इंटरसेक्शन ऑफ दीज ओपन सेट्स इज इक्वल टू ए. ठीक है, अब पॉसिबिलिटी क्या है? या तो ये सेट जो है ए, दैट मे बी एम्प्टी सेट, और हो सकता है कि इस सेट में कोई एलिमेंट बिलोंग करे, है ना. जब हम इंटरसेक्शन ले रहे हैं तो हो सकता है कि उनकी इंटरसेक्शन में कोई भी एलिमेंट ना हो, और कोई भी एलिमेंट नहीं है इसका मतलब वो सेट क्या होगा? फाइव. और अगर कोई एलिमेंट है तो इसका मतलब वो सेट क्या होगा? नॉन एम्प्टी. अगर ए एम्प्टी है देन हमें ओपन सेट प्रूव करने के लिए उसकी कंडीशन यहाँ पे ट्रू होनी चाहिए. अब जब किसी सेट में कोई एलिमेंट ही नहीं है तो कंडीशन फॉल्स होने का मतलब ही नहीं. हमने क्या कहा है, अ सेट इज सेट टू बी ओपन इफ इट इज नेबरहुड ऑफ ईच ऑफ इट्स पॉइंट्स. जो उसके पॉइंट्स हैं उसका नेबरहुड होना चाहिए. अब इसमें कोई पॉइंट ही नहीं है तो नेबरहुड की बात ही नहीं आती. इसका मतलब दिस सेट इज ऑलवेज ओपन. ठीक है, सो एम्प्टी सेट अगर कोई होगा तो वो सेट हमेशा क्या होगा? ओपन. सो इट मीन्स ए इज इक्वल्स टू एम्प्टी सेट. अगर इंटरसेक्शन में कोई एलिमेंट नहीं है देन ऑब्वियसली ए क्या होगा? एम्प्टी, एंड दिस मस्ट बी एन ओपन सेट. Now, if A is non-empty, अगर non-empty है तो इसमें एक एलिमेंट होगा. लेट x be an element of A. A किसके इक्वल है? इंटरसेक्शन ऑफ ऑल दीज AIs. अब इंटरसेक्शन में किसी एलिमेंट होने का मतलब क्या होता है? दैट बिलोंग्स टू AI फॉर एवरी ईयर. इंटरसेक्शन में कौन से एलिमेंट्स आते हैं? जो हर उस इंटरसेक्शन जिसकी हमने इंटरसेक्शन ली है उन सारे सेट्स में बिलोंग करे. इसका मतलब x हर AI में बिलोंग करेगा. और हर AI क्या है? They are all are open sets. Therefore, अगर ये सारे के सारे open हैं, it means हर AI के corresponding there exists an open interval around X which is properly contained in AI. क्यों? Because AIs क्या है? They are open sets. Open sets का मतलब they are neighborhood of each of its point, है ना. तो इसका मतलब X अगर इनका point है तो ये अपने हर पॉइंट के नेबरहुड है. इसका मतलब x के कॉरेस्पॉन्डिंग ओपन इंटरवल मिलेगा जो इसके अंदर कंटेन होगा. हमने जो ओपन इंटरवल्स लिए उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो रेडियस ली हमने इसकी वो एप्सिलॉन i ले ली. वेयर i डिपेंड्स अपॉन दिस i, मतलब a1 के कॉरेस्पॉन्डिंग एप्सिलॉन 1, a2 के कॉरेस्पॉन्डिंग एप्सिलॉन 2, एंड an के कॉरेस्पॉन्डिंग एप्सिलॉन n. नाउ वी चूज एप्सिलॉन एज मिनिमम ऑफ ऑल दीज एप्सिलॉन. इन सारों में से सबसे छोटा ले लिया हमने एप्सिलॉन. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड दिस बाय दिस रियल लाइन. ठीक है, अगर सपोज ये एप्सिलॉन 1 डिस्टेंस है, ये सपोज a1 में है, एप्सिलॉन 2 डिस्टेंस ये वाला है, तो ये सपोज a2 में है, ऐसे ही सपोज एप्सिलॉन 3 ये है, एप्सिलॉन 4 एंड सो ऑन. उनमें से जो सबसे छोटे वाला होगा ये इंटरवल, अगर बड़े वाले इंटरवल्स AIs में हैं तो छोटे वाले तो ऑब्वियसली होंगे ही होंगे. इसका मतलब हमने जो ये मिनिमम चूज किया है इन सब में से, उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो ओपन इंटरवल बनेगा जो x को कंटेन करता होगा, दैट इज कंटेन इन AI फॉर एवरी i. वो हर एक AI में कंटेन होगा. और जो चीज़ हर AI में कंटेन है वो किस में होगी? दैट बिलोंग्स टू इंटरसेक्शन. सो इट मीन्स दिस इज कंटेन इन इंटरसेक्शन ऑफ AIs वेयर i गोज टू 1 to n. एंड वॉट इज दिस? इट इज a. इट मीन्स x के कॉरेस्पॉन्डिंग एक ओपन इंटरवल मिल गया जो a के अंदर क्या है? कंटेन. तो a क्या बन गया? इट मीन्स a इज इन नेबरहुड ऑफ x. और x कोई भी पॉइंट था a का, इट मीन्स x इज a इज नेबरहुड ऑफ ईच ऑफ इट्स पॉइंट्स. देयरफॉर a मस्ट बी ओपन.
डिफाइंड, इट मीन्स कि कोई भी हमारे पास फाइनाइट नंबर ऑफ ओपन सेट्स हो तो उनकी इंटरसेक्शन अगर एम्प्टी है तब भी ओपन सेट होगी, अगर नॉन एम्प्टी है तब भी वो क्या होगा, ओपन सेट। नाउ द नेक्स्ट रिजल्ट इज द इंटरसेक्शन ऑफ एन आर्बिट्ररी फैमिली ऑफ ओपन सेट्स मे बी एन ओपन सेट। मतलब पहले हमने क्या कहा कि अगर हम इंटरसेक्शन ऑफ फाइनाइट नंबर ऑफ सेट्स लेते हैं तो वो तो हमेशा क्या होती है, ओपन। अगर ए आई इज ओपन है तो इनकी इंटरसेक्शन भी क्या होगी, ओपन। बट नाउ वी आर गोइंग टू प्रूव कि इफ यू टेक दिस इंटरसेक्शन एज आर्बिट्ररी, इसमें कितने भी एलिमेंट्स हों, है ना, उस केस में ये जरूरी नहीं है कि अगर सारे ए आईज ए लैम्डाज ओपन है तो इनकी जो इंटरसेक्शन है दैट इज ऑल्सो ओपन। फाइन, हाउ विल यू प्रूव दिस? जो चीज रिजल्ट जर्नल में होल्ड नहीं करता हम उसके लिए सिर्फ एक कॉन्ट्रडिक्टरी एग्जाम्पल देते हैं, ठीक है ना। हाउ विल यू प्रूव दिस? यू हैव टू गिव अन ए एग्जाम्पल। इफ आई टेक ए लैम्डा एज माइनस वन बाय लैम्डा टू वन बाय लैम्डा, वेयर लैम्डा इज एनी नेचुरल नंबर, ठीक है। बुक में मोस्टली ये ए एन से माफ करते हैं, दैट इज इक्वल टू माइनस वन बाय एन टू वन बाय एन, हम कुछ भी ले सकते हैं, बस मेन थिंग इज एन मस्ट बी अ नेचुरल नंबर। सो वी आर टेकिंग हियर लैम्डा एज अ नेचुरल नंबर, सो उसको लैम्डा लिखें या एन लिखें इट डजंट मैटर, फाइन। एंड हमें पता है ये सारे के सारे ओपन इंटरवल्स हैं, तो ऑब्वियसली ओपन इंटरवल्स आर ओपन सेट्स। बट ओपन सेट सारे के सारे जो ओपन सेट्स होते हैं वो ओपन इंटरवल्स नहीं होते, बट यहाँ पे हमारे पास क्या है, दीज आर द ओपन इंटरवल्स एंड दे ऑल आर ओपन सेट्स। दिस इंप्लाइज ए लैम्डाज आर ओपन सेट्स फॉर एवरी लैम्डा, ठीक है। ये सारे के सारे क्या है, ओपन। बट नाउ वी हैव टू चेक व्हाट इज द आर्बिट्ररी इंटरसेक्शन ऑफ ऑल दीज सेट्स। अगर मैं इन सारे सेट्स की, दे आर लार्ज नंबर, अगर मैं इन सारे सेट्स की इंटरसेक्शन लूँ तो व्हाट विल बी द इंटरसेक्शन ऑफ ऑल दीज सेट्स। पहले ये चेक करते हैं, सेट क्या है, माइनस वन बाय लैम्डा टू वन बाय लैम्डा, इतना से पहले लैम्डा की वैल्यू हम वन ले लेते हैं, तो ये सेट क्या बनेगा, माइनस वन टू वन, है ना। फिर अगर हमने लैम्डा की वैल्यू, सपोज इन बिटवीन जीरो, अगर हमने लैम्डा की वैल्यू टू ली तो ना क्या आएगी वैल्यू, माइनस वन बाय टू टू वन बाय टू, देन माइनस वन बाय थ्री टू वन बाय थ्री एंड सो ऑन। ऐसे करते करते आप जीरो के नज़दीक आते जा रहे हो। वेन वेर एन इज एनी नेचुरल नंबर, लैम्डा इज एनी नेचुरल नंबर, देन इन सब सेट्स के इंटरसेक्शन में कौन सा एलिमेंट लाया जाएगा, दैट इज ओनली अ सिंगल एलिमेंट विच इज जीरो। इफ आई टेक आर्बिट्ररी इंटरसेक्शन ऑफ ऑल दी सेट्स देन वी गेट अ सिंगलटन सेट। इंटरसेक्शन ऑफ ऑल दी सेट्स इज अ सिंगलटन सेट एंड दैट इज जीरो ओनली। And we have already done a singleton set is not an open set। हम ये कर चुके हैं ना कि अगर एक set में सिर्फ एक ही element है तो वो set कभी भी open नहीं होगा। अगर नहीं clear तो we can do it again। Zero एक ही element है इसमें, तो क्या हम zero के cross कोई भी open interval लें तो वो इस set में belong करेगा, नहीं। There does not exist any epsilon greater than zero, such that zero minus epsilon to zero plus epsilon is contained in this set. ऐसा possible नहीं है. It means this is not neighborhood of its points. Therefore, this set is not open. Fine. So, arbitrary intersection of open sets need not be open. Now, what do you mean by interior of a set? We have already defined it. बट नाउ हेयर आई एम जस्ट रिपीटिंग इट। क्या रिजल्ट है, किसी भी सेट के इंटीरियर का क्या मतलब है, अगर ए आपके पास कोई भी सबसेट है रियल नंबर्स का, देन सेट ऑफ ऑल इंटीरियर पॉइंट्स ऑफ ए, जितने भी पॉइंट्स ए के इंटीरियर पॉइंट्स होंगे, या यू कैन से जिन भी पॉइंट्स का ए क्या होगा, नेबरहुड, ए के वो सारे पॉइंट्स जिनका ए क्या है, नेबरहुड, That is said to be interior of the set. जो points A set के interior points होंगे
या ये सेट ए के जिन पॉइंट्स का नेबरहुड है उन पॉइंट्स के सेट को हम कहते हैं इंटीरियर ऑफ अ सेट, ठीक है, एंड वी डिनोट इट बाय ए इंटीरियर, राइट। नाउ वी हैव टू प्रूव इंटीरियर ऑफ अ सेट इज ऑलवेज एन ओपन सेट। अगर ए आपके पास कोई भी सेट है देन उसका जो इंटीरियर होगा दैट इज ऑलवेज ओपन। हाउ विल यू प्रूव दिस? लेट ए बी द गिवन सेट, हमें एक सेट तो चाहिए जिसकी हम बात करें। एंड ए इंटीरियर बी द इंटीरियर ऑफ इट। इंटीरियर सेट ऑफ ए, फाइन। नाउ अब पॉसिबिलिटी क्या क्या है? हो सकता है इंटीरियर ऑफ अ सेट में इस सेट का कोई भी एलिमेंट ना हो, यानी कि ये सेट अपने किसी भी पॉइंट का नेबरहुड ना हो, तो ए इंटीरियर क्या होगा? फाइव। या हो सकता है कि ए इंटीरियर फाइव ना हो, हो सकता है उसमें कोई एलिमेंट हो, है ना। अगर ए इंटीरियर फाइव है देन फाइव का मतलब इसके अंदर कोई एलिमेंट ही नहीं है। एलिमेंट नहीं है तो ओपन प्रूफ करने के लिए हमें क्या प्रूफ करना होता है? कि जो एलिमेंट्स उस सेट के हैं उन सब का वो सेट क्या होना चाहिए? नेबरहुड। जब इसमें कोई एलिमेंट ही नहीं है तो कंडीशन फॉल्स ही नहीं होगी। इट मींस दिस इम्प्लाइज ए इंटीरियर इज एन ओपन सेट। सो रिमेंबर दिस रिजल्ट दैट फाई इज ऑलवेज एन ओपन सेट, ठीक है। नाउ सेकेंड केस इज वेन ए इंटीरियर इज नॉट इक्वल टू फाइव। अगर ये फाइव के इक्वल नहीं है इट मीन्स इसमें कोई एलिमेंट बिलोंग करता है। एलिमेंट बिलोंग करता है तो उसका मतलब क्या है? इसमें कौन से एलिमेंट्स हैं? इट मीन्स एक्स इज इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए, है ना। अब मुझे प्रूफ करना है कि ए इंटीरियर ओपन होना चाहिए, मीन्स इंटीरियर मस्ट बी नेबरहुड ऑफ ईच ऑफ इट्स पॉइंट्स। एंड वी हैव टेकन एक्स एज एनी एलिमेंट ऑफ दिस, इट मीन्स हमें ये शो करना है कि एक्स जो है वो इस सेट का क्या होना चाहिए? इंटीरियर पॉइंट, या ये सेट जो है दिस मस्ट बी नेबरहुड ऑफ एक्स। अब ये सेट एक्स का नेबरहुड कब होगा? अगर x के क्रॉस एक ओपन इंटरवल मिल जाए जो पूरे का पूरा इस सेट के अंदर कंटेन हो, देन वी कैन से दैट a इंटीरियर इज नेबरहुड ऑफ x, है ना। इफ देयर एग्जिस्ट एन अपसारण पॉजिटिव सच दैट दिस इज कंटेन इन इंटीरियर देन वी कैन से a इंटीरियर इज नेबरहुड ऑफ x। सो टू प्रूव द रिजल्ट we need to prove there exist some epsilon, कोई एक epsilon मिलेगा such that x minus epsilon to x plus epsilon is contained in a interior, ठीक है, ये प्रूव करना है। अब x जो है वो कहाँ का एलिमेंट है? दैट इज एन एलिमेंट ऑफ a interior. Now x is any element of a interior implies x is interior point of a. इसका मतलब there exist an open interval around x which is properly contained in a. ये इसका interior point है, यानी कि ये set जो है वो x का क्या हो गया? नेबरहुड। इसका मतलब एक एप्सिलॉन एग्जिस्ट करेगा जिसके कॉरेस्पॉन्डिंग ओपन इंटरवल लें तो वो ए में होगा। प्रूफ किस में करना है? ए इंटीरियर, ठीक है। अब हमें प्रूफ करना है कि ये वाला जो सेट है वो ए इंटीरियर में होना चाहिए, तो हम इस सेट का कोई भी एक एलिमेंट ले लेते हैं। लेट वाई इज एनी एलिमेंट ऑफ दिस सेट, ठीक है। अब वाई जो है वो इस सेट में बिलोंग कर रहा है और ये ए में कंटेन है,
ये है, पता ही है। तो इसका मतलब क्या होगा, अगर कोई एलिमेंट के कॉरेस्पॉन्डिंग हम एक ओपन इंटरवल निकाल सकते हैं जो ए में कंटेन्ड हो, तो उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, दैट इज इंटीरियर पॉइंट ऑफ दैट सेट। इसका मतलब हमें क्या मिल गया, यस सी नाउ दिस इज योर एक्स, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग एक ओपन इंटरवल था जो इस सेट ए में कंटेन था, इसमें हमने एक पॉइंट ले लिया वाई। अब वाई के क्रॉस भी तो ये ओपन इंटरवल है ना जो पूरे का पूरा ए के अंदर कंटेन है, तो इसका मतलब क्या हुआ, वाई इज ऑल्सो इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए। और अगर ये इंटीरियर पॉइंट है ए का, तो वाई किस में होगा, सेट ऑफ इंटीरियर्स में, ठीक है, सेट ऑफ इंटीरियर में। देन इट इम्प्लाइज एलिमेंट कहाँ का था, यहाँ का, बिलोंग किस में कर गया, ए इंटीरियर में। इट मीन्स अगर एक सेट का एलिमेंट दूसरे सेट में बिलोंग कर जाए, तो ये सेट दूसरे सेट के अंदर क्या होता है, कंटेन, है ना, हम यही कहते हैं ना, बी इज कंटेन्ड इन सी, ये शो करना हो तो इसका एलिमेंट लेते हैं, इसके अंदर शो कर देते हैं, वही हमने यहाँ पे किया। तो इट मीन्स कि एक्स के कॉरेस्पॉन्डिंग एक ओपन इंटरवल मिल गया जो इसके अंदर कंटेन है, इसका मतलब ये सेट क्या बन गया, दिस इज नेबरहुड ऑफ एक्स, और एक्स क्या था, एक्स क्या था, कोई भी एलिमेंट इस सेट का, इट मीन दिस सेट इज नेबरहुड ऑफ ईच ऑफ इट्स पॉइंट्स, देयरफॉर दिस इम्प्लाइज दैट ए इंटीरियर इज ओपन। जितना कुछ मैंने बोला है वो चीजें भी आपको इसमें लिखनी है, ठीक है। सो ए इंटीरियर इज एन ओपन सेट एंड यू हैव टू रिमेंबर दिस रिजल्ट ऑल्सो, क्लियर। नाउ नेक्स्ट रिजल्ट इज इंटीरियर ऑफ अ सेट ए इज अ लार्जेस्ट ओपन सबसेट ऑफ ए। पहले तो आपको लार्जेस्ट ओपन सबसेट का मीनिंग क्लियर होना चाहिए, लार्जेस्ट ओपन सबसेट ऑफ ए, लार्जेस्ट ओपन सबसेट से ही डेफिनेशन से क्लियर होता है, पहली चीज ए का वो सबसेट जो ओपन है उनमें से सबसे बड़ा, दैट इज सेट टू बी लार्जेस्ट ओपन सेट। मतलब हमने क्या कहा कि एनी सबसेट, सपोज बी इज एनी सबसेट ऑफ ए, इट इज सेट टू बी लार्जेस्ट ओपन सबसेट ऑफ ए इफ पहली कंडीशन बी इज ओपन सेट एंड सेकेंड इज बी इज लार्जेस्ट अमंग ऑल द ओपन सबसेट्स इन ए। मतलब कि अगर कोई और बी डैश ओपन सेट है ए में, इन ए इट इज अ ओपन सबसेट ऑफ ए, देन बी मस्ट बी लार्जेस्ट। बी बड़ा कैसे होगा, अगर बी डैश बी के अंदर क्या होगा, कंटेन। मतलब एन लार्जेस्ट ओपन सबसेट ऑफ ए कंटेन्स ऑल द ओपन सबसेट्स ऑफ ए, वो ए के सारे ओपन सबसेट्स को कंटेन करता है, ठीक है। तो अब हमें प्रूफ क्या करना है कि जो ए इंटीरियर है दैट इज अ लार्जेस्ट ओपन सबसेट ऑफ ए। सो वी हैव टू प्रूफ टू थिंग्स, टू प्रूव दिस रिजल्ट वी हैव टू प्रूफ टू थिंग्स, फर्स्ट इज ए इंटीरियर मस्ट बी एन ओपन सेट, and second if there exist any open subset of A, अगर A का कोई और open subset exist करता है like B, let it be B, then B must be contained in A interior, ठीक है, ये हमें प्रूव करना है। फर्स्ट पार्ट वी हैव ऑलरेडी प्रूव्ड इन आवर लास्ट केस एंड मीन्स टू प्रूव दिस रिजल्ट यू हैव टू प्रूव द प्रीवियस वन, ठीक है, वी हैव ऑलरेडी प्रूव्ड हियर
proved in last theorem. So you have to repeat that proof here. ठीक है. So A interior is an open set. ये तो हमने कर दिया. अब हमें प्रूव करना है कि अगर कोई और ओपन सेट सबसेट है A का, then A interior contains all those open sets. ठीक है. How will you prove that? Let B be any open subset of A. It means every point of B is interior point of B. Open set का मतलब क्या होता है? कि वो सेट अपने सारे पॉइंट्स का नेबरहुड है, और यू कैन से उसके सारे पॉइंट्स उस सेट के क्या हैं? इंटीरियर पॉइंट्स. तो बी अपने सारे पॉइंट्स का क्या हुआ? नेबरहुड. या उसके सारे पॉइंट्स बी के क्या हुए? इंटीरियर पॉइंट्स. नाउ अगर कोई पॉइंट बी का इंटीरियर पॉइंट है, तो मैं क्लेम करती हूँ कि वो ए जो जिसका बी सबसेट है उसका भी क्या होगा? इंटीरियर पॉइंट. वी क्लेम दैट even we have already proved this result. If x is interior point of b and b is contained in a, then x is interior point of a also. इस result को हम एक तरह से और कह सकते हैं क्या? और यू कैन से इफ एक्स, इफ इस टाइम हमने पहले एलिमेंट से बात की थी, अब हम सेट से बात करते हैं. कैसे? इफ बी इज नेबरहुड ऑफ एक्स, देन ए इज ऑल्सो नेबरहुड ऑफ एक्स. दिस इज नथिंग बट विच वी हैव ऑलरेडी प्रूव्ड, दैट इज एवरी सुपर सेट ऑफ अ सेट इज ऑल्सो नेबरहुड ऑफ द पॉइंट्स हुज नेबरहुड इज बी. क्या किया था हमने उस केस में? कि अगर ए का सबसेट है बी, और बी जिन पॉइंट्स का नेबरहुड है, ए भी उन पॉइंट्स का क्या होगा? नेबरहुड. तो यूजिंग दैट रिजल्ट कि सुपर सेट ऑफ अ नेबरहुड इज ऑल्सो अ नेबरहुड ऑफ दैट पॉइंट, वी कैन डायरेक्टली प्रूव दिस थिंग. ठीक है. तो इसका मतलब कि अगर एक्स बी का इंटीरियर पॉइंट है, तो एक्स ए का भी क्या होगा? इंटीरियर पॉइंट. ठीक है. अगर x a का इंटीरियर पॉइंट है, तो x किस में बिलोंग करेगा? इंटीरियर ऑफ अ सेट में. एंड व्हाट इज इंटीरियर ऑफ अ सेट? a इंटीरियर. और x एलिमेंट कहाँ का था? x इज एन एलिमेंट ऑफ b. b का एलिमेंट a इंटीरियर में आ गया, इसका मतलब b इज कंटेन्ड इन a इंटीरियर. फाइन. और हमें प्रूफ भी यही करना था कि a इंटीरियर सारे ओपन सेट्स को अपने अंदर कंटेन करता है. इट मीन्स दिस इज अ largest open set in A. ठीक है. इट इज सबसेट ऑफ A. Why it is subset of A? Because A interior में elements कैसे आ रहे हैं? हम elements कौन से ले रहे हैं? Which are interior points of A. यानी कि they are points of A. अगर कोई x A interior में है, तो पहले वो element कहाँ का है? That is an element of A. कुछ एलिमेंट्स ऐसे हो सकते हैं इस सेट में जो ए के इंटीरियर पॉइंट्स ना हो, बट ए इंटीरियर के जो एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे कहाँ के एलिमेंट्स हैं? ए के ही एलिमेंट्स हैं. ठीक है. तो इट इज़ अ लार्जेस्ट ओपन सबसेट इन ए. राइट. नाउ नेक्स्ट रिजल्ट इज प्रूव दैट ए इंटीरियर इज द यूनियन ऑफ ऑल ओपन सबसेट्स ऑफ ए. ए इंटीरियर को हम कैसे लिख सकते हैं? यूनियन ऑफ ऑल ओपन सबसेट्स ऑफ ए. ए में जितने भी ओपन सेट्स हैं, सबसेट्स हैं, उन सब की यूनियन लिखनी है. तो पहले हम ओपन सबसेट सारे के सारे ले लेते हैं. सपोज टी इज द यूनियन ऑफ ऑल ओपन सबसेट्स ऑफ ए. Then we have to prove that A interior
इज इक्वल्स टू पी, हमें ये प्रूफ करना है, ठीक है। अब हमें बताए फर्स्ट केस इज ए इंटीरियर अपने आप में ओपन होता ही है और ए इंटीरियर ए का सबसेट भी होता है, इसका मतलब इसके अंदर क्या था, यूनियन ऑफ ऑल ओपन सबसेट्स ऑफ ए, ए नॉट ए का सबसेट भी है और ओपन भी है, तो इसका मतलब जो ए इंटीरियर है वो भी टी के अंदर कंटेन होगा बिकॉज इसमें सारे ओपन सेट्स की यूनियन है, ठीक है। मुझे दोनों को इक्वल प्रूफ करना है तो मुझे ये शो करना है कि ये इसके अंदर कंटेन है और ये इसके अंदर कंटेन, दोनों एक दूसरे के अंदर कंटेन होंगे, इट मीन्स बोथ आर इक्वल, फाइन। नाउ एक पार्ट तो हमने कर लिया कि ए इंटीरियर इज कंटेन्ड इन टी, नाउ वी हैव टू प्रूव दैट टी इज कंटेन्ड इन ए इंटीरियर। टी इज व्हाट? टी इज यूनियन ऑफ ऑल ओपन सेट सबसेट्स, हमने किया था आर्बिट्ररी यूनियन ऑफ ओपन सेट्स इज ओपन, वी हैव ऑलरेडी डन दिस, आर्बिट्ररी यूनियन ऑफ ओपन सेट्स इज ओपन, है ना। तो यहां पर भी क्या है, T is a union of all open sets, कितने भी हो सकते हैं उसके अंदर, तो इसका मतलब इस result से T भी क्या हो जाएगा, that is also open, और T के अंदर सारे subsets ही हैं A के, तो इसका मतलब union of subsets of A is also a subset of A, so T is also a subset of A, ठीक है। And we have already done A naught is the largest open subset of A, A naught क्या है, सबसे बड़ा open set, है ना, इट्स अ लार्जेस्ट ओपन सबसेट ऑफ ए, इसका मतलब अगर टी ओपन है और सबसेट है ए का तो लार्जेस्ट ओपन सेट के अंदर कंटेन होगा। अब दोनों एक दूसरे के अंदर कंटेन है, इट मस्ट बी, इट मींस ए टी नॉट मस्ट बी इक्वल टू ए नॉट, ठीक है। सो इट मींस ए नॉट किसके इक्वल है, ए नॉट को हम लिख सकते हैं यूनियन ऑफ ऑल ओपन सबसेट्स ऑफ ए, फाइन। इन चीज़ों को आपको बहुत ध्यान से समझना है और धीरे धीरे इनकी अंडरस्टैंडिंग होगी, डोंट वरी कि फर्स्ट स्टेप में समझ नहीं भी आता तो यू कैन डू दिस लेक्चर अगेन एंड अगेन, विद इन 2 or 3 times यू विल अंडरस्टैंड मोर, ठीक है। जितनी बार आप सुनोगे उतनी बार आपको एक बार नई चीज़ पता लगेगी, सो अंडरस्टैंड इट वेरी स्लोली, आराम आराम से करो, जितना कर सकते हो उतना करो, ठीक है। नेक्स्ट रिजल्ट इज प्रूव दैट द सेट ए इज ओपन इफ एंड ओनली इफ ए इंटीरियर इक्वल्स टू ए, नाउ इफ एंड ओनली इफ है तो यू हैव टू प्रूव द बोथ द पार्ट्स, ठीक है। फर्स्ट इज केस वन ले लेते हैं, केस की बजाय फर्स्ट, फर्स्ट इफ ए इज ओपन देन हमें प्रूफ क्या करना हुआ, ए इंटीरियर इज इक्वल टू ए, अगर ए ओपन है तो ए इंटीरियर और ए को इक्वल होना चाहिए, हमें पता है ए इंटीरियर तो ए के अंदर कंटेन होता ही होता है, दोनों को इक्वल शो करने के लिए हमें सिर्फ इतना शो करना है कि ए भी ए इंटीरियर में कंटेन होगा। नाउ ए इंटीरियर क्या था, इट इज अ लार्जेस्ट ओपन सबसेट ऑफ ए, अब ए क्या है, इट इज एन ओपन सेट एंड ए इज ऑब्वियसली सबसेट ऑफ इटसेल्फ, तो ए नॉट सबसे बड़ा ऐसा ओपन सेट सबसेट है, है ना ए का, इसका मतलब ये सारे ओपन सेट्स ए के सारे ओपन सेट्स को कंटेन करता है, तो ए भी ओपन है, इसका मतलब क्या हुआ कि ए ए के लार्जेस्ट ओपन सेट के अंदर कंटेन। रिपीट करें, हमने क्या कहा, ए नॉट इज अ लार्जेस्ट ओपन सबसेट ऑफ ए, इसका मतलब इट कंटेन्स ऑल द ओपन सबसेट्स ऑफ ए, जब ए खुद से ओपन हुआ तो ये भी तो एक ओपन सबसेट हुआ ए का, और ये सारे ओपन सेट्स को कंटेन कर रहा है ए के, तो ऑब्वियसली ये ए को भी क्या करेगा, कंटेन। जब ए ए नॉट में कंटेन है, ए नॉट ए में कंटेन है, इट मींस ए नॉट इज इक्वल टू ए। नाउ कन्वर्स, कन्वर्स में कैसे प्रूफ करेंगे, अब हमें गिवन है ए नॉट इज इक्वल टू ए, वी हैव टू प्रूफ that A is open, इसमें तो कुछ भी नहीं है, we know that A naught is open और A naught किसके equal है, A के, so what it implies कि A is also open,
छोटी सी चीज है, सिर्फ उसको ध्यान से समझने वाली बात है कि ए नॉट ओपन है और ए नॉट ए के इक्वल है, तो इट मीन्स अगर ए नॉट ओपन है तो ए भी क्या होएगा, ओपन. क्लियर? नाउ द नेक्स्ट रिजल्ट इज फॉर एनी सेट ए, ए इंटीरियर का इंटीरियर किसके इक्वल होता है, ए इंटीरियर. नाउ हम मान लेते हैं कि बी इज इक्वल टू ए इंटीरियर and we know that B interior is open, A interior is open set. ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, B is open. B open होने का मतलब क्या हुआ, B is neighborhood of each of its points, मतलब B के सारे points उसके interior points हो गए, या you can say कि बी के सारे पॉइंट्स क्या है, बी अपने सारे पॉइंट्स का नेबरहुड है. इसका मतलब क्या हुआ कि बी इंटीरियर में कौन से एलिमेंट्स हुए, जब सारे पॉइंट्स ही बी के इंटीरियर पॉइंट्स हैं तो बी इंटीरियर में सारे पॉइंट्स आ गए. बी इंटीरियर इज नथिंग बट बी, है ना, क्यों, क्योंकि बी इज नेबरहुड ऑफ ईच ऑफ इट्स पॉइंट्स. मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि एवरी पॉइंट ऑफ बी is interior point of B. B का हर एक पॉइंट उसका क्या है, इंटीरियर पॉइंट. और हर एक पॉइंट अगर इंटीरियर पॉइंट है तो इंटीरियर पॉइंट्स के सेट में कौन से एलिमेंट्स होंगे, पूरा का पूरा सेट. ना अब इसमें B की वैल्यू पुट कर दो, B की वैल्यू पुट की तो क्या आया, A इंटीरियर का इंटीरियर इज इक्वल्स टू A इंटीरियर, एंड दिस यू हैव टू प्रूव. फाइन, नाउ द लास्ट रिजल्ट इज a set is open if and only if it can be expressed as union of open intervals. किसी भी set को हम open कब कहेंगे, अगर हम उसको union of open intervals की form में लिख सकते हैं. मैंने आपको कहा था open interval is an open set, है ना, but open sets need not be an open interval. एक interval नहीं होता, open set कभी भी single interval नहीं होगा. ठीक है, तो हमने ये prove करना है कि अगर कोई set A open है तो हम उसको express कर सकते हैं union of open intervals, and अगर कोई set open intervals की union है तो वो तो हमेशा open होगा ही होगा. ठीक है, फर्स्ट वी सपोज, फर्स्ट वी सपोज दैट ए बी एनी सबसेट ऑफ आर, लेट ए बी एनी सबसेट ऑफ आर विच कैन बी एक्सप्रेस्ड, आर मीन्स रियल नंबर्स, विच कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ union of open sets intervals, then हमें proof क्या करना है, to prove A is open. अगर A को union of open intervals लिख सकते हैं, मान लेते हैं वो open intervals क्या है, AI to BI. ठीक है, union of open intervals कितने भी हो सकते हैं, ऐसा हमने कुछ नहीं कहा कोई particular number है. ठीक है, ये सारे ओपन इंटरवल्स हैं, ओपन इंटरवल्स आर ओपन सेट्स, दीज आर ओपन इंटरवल्स, ओपन इंटरवल्स आर ओपन सेट्स. ठीक है, सो ओपन इंटरवल्स आर ओपन सेट्स, और आर्बिट्रेरी यूनियन ऑफ ओपन सेट्स इज ऑल्सो ओपन. So A is what here? A is arbitrary union of open sets, which implies that A must be open. ठीक है, कि arbitrary union of open sets भी क्या होती है, open. Fine. Now अब अगर हमने कन्वर्स प्रूफ करना हो तो वो कैसे प्रूफ करोगे, कन्वर्स में हमें क्या प्रूफ करना है,
कि इफ ए इज ओपन देन इट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज यूनियन ऑफ ओपन सबसेट्स ऑफ यूनियन ऑफ ओपन इंटरवल्स. नाउ ए इज ओपन एंड लेट एक्स बी एनी एलिमेंट ऑफ ए. इट मीन्स x is interior point of A. अब एक चीज बहुत जरूरी है आपको समझनी है. इंटीरियर पॉइंट हम कब कहते थे? अगर x के क्रॉस एक ओपन इंटरवल मिल जाए जो पूरे का पूरा सेट के अंदर कंटेन, वहां हम नाम देते थे उस ओपन इंटरवल का x माइनस एप्सिलॉन टू x प्लस एप्सिलॉन, है ना. बट वो ओपन इंटरवल कोई भी हो सकता है ना, तो हम ले लेते हैं उनके नाम कि दैट इज ए एक्स टू बी एक्स. हमें क्या चाहिए होता? एक्स के क्रॉस एक ओपन इंटरवल जो सेट के अंदर कंटेन होना चाहिए. अब वो ओपन इंटरवल एक्स माइनस एप्सिलॉन टू एक्स प्लस एप्सिलॉन हो, या हम उसको ये नाम दे दें कि सपोज दिस इज योर ए एक्स एंड दिस इज योर बी एक्स, तो इंटरवल क्या बन गया? ए एक्स बी एक्स, राइट. तो इसका मतलब अगर ये इंटीरियर पॉइंट है तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग एक ओपन इंटरवल मिलेगा जो ए के अंदर कंटेन होगा. तो ऐसे ए के हर एलिमेंट के लिए होल्ड करेगा. सो वी कैन राइट ए एज यूनियन ऑफ ऑल दीज ओपन इंटरवल्स. दिस यू हैव टू प्रूव नाउ. हमने यही प्रूफ करना था ना, ए को यूनियन ऑफ ओपन इंटरवल्स में लिख सकते हैं. कौन से ओपन इंटरवल्स लिखे हमने? जो एलिमेंट्स ए में हैं वो जिन ओपन इंटरवल्स के अंदर कंटेन है, और वो सारे ओपन इंटरवल्स ए के अंदर कंटेन, इनकी यूनियन की फॉर्म में हम एक्सप्रेस कर रहे हैं. नाउ फ्रॉम हियर इट इज़ वेरी मच क्लियर दैट फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू ए जो कॉरस्पॉन्डिंग इंटरवल होगा दैट इज ऑब्वियसली कंटेन्ड इन ए. जब सारे ए में हैं तो इन सारे सेट्स की जो यूनियन होगी वो भी क्या होगी? ए के अंदर कंटेन, है ना. अब इन दोनों को इक्वल प्रूफ करने के लिए मुझे क्या प्रूफ करना था? दोनों आपस में एक दूसरे के अंदर कंटेन. एक पार्ट तो हो गया. नाउ सेकंड पार्ट, इफ आई टेक एनी एलिमेंट वाई बिलोंग्स टू ए देन ये सारे सेट्स हमने कैसे बनाए? ये सारे ए के हर एलिमेंट के कॉरेस्पॉन्डिंग. तो देयर एग्जिस्ट सम ए वाई कॉमा बी वाई इन दिस यूनियन. एक एलिमेंट होगा ना ऐसे इस यूनियन में, क्योंकि हमने हर एलिमेंट के कॉरेस्पॉन्डिंग बनाए हैं, सच दैट y is contained in this interval and this interval is contained in this, है ना. इसका मतलब क्या हो गया कि a का एलिमेंट था वो किसमें आ गया? इस यूनियन में अंदर. और अगर a का एलिमेंट इस यूनियन में आ गया तो इसका मतलब a is contained in this union. a का कोई भी एलिमेंट लिया था हमने जर्नल, इसका मतलब एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज कंटेन इन दिस मीन्स ए इज कंटेन इन दिस. ए इसके अंदर कंटेन है, ये ए के अंदर कंटेन है, इसका मतलब क्या हुआ? बोथ आर इक्वल, ठीक है. सो दिस इम्प्लाइज दैट ए इज इक्वल टू यूनियन ऑफ ऑल इंटरवल्स ऑफ द टाइप ए एक्स कॉमा बी एक्स वेयर एक्स इज एनी एलिमेंट ऑफ ए, ठीक है. सो दिस इज ऑल अबाउट today's lecture. Thank you very much.